खबर पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार लूट की दुकान में झूठ का बाजार बताए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान उनकी गरिमा के लिए शोभा नहीं देता है। वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक पार्टी के नेता के तौर पर वह बयानबाजी कर रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक और उचित नहीं है। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी सरकार पर भी राफेल घोटाले का आरोप, सदन में चर्चा के लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है। विजय माल्या, महल चौकसी, ललित मोदी के भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए भाषा पर नियंत्रण रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उनके बयान का पलटवार करेगी तो वे कहेंगे कि देखिए हमको गाली दी जा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री का न दुखड़ा चला और न मुखड़ा, राजस्थान भी उनकी बयानबाजी काम नहीं आने वाली है। राजस्थान में भी उनकी बयानबाजी काम नहीं आने वाली है। सर, प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की वहाँ की जो सरकार है वो लूट की दुकान है, भ्रष्टाचार की जननी है, क्या कहें? प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह कि आपके सामने उदाहरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये तो आप पार्टी के नेता के रूप में बोलते हैं। अब यही पलट कर मैं कह दूं कि आपने राफेल के मामले में आपकी सरकार पर तमाम दोष है पैसे को लेके। आप ये मत कहिएगा राफेल अच्छा है या खराब है, हम मानते हैं अच्छा, वो हम ही ने तय किया था, पर 600 करोड़ का 1600 करोड़ में बिका है। इस पर आप चर्चा कराने को सदन में नहीं तैयार है। जब हम बात करते हैं अडानी की, तो 13 मार्च से 6 अप्रैल तक सदन आपकी पार्टी नहीं चलने देती कि कहीं उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा। मेहुल चौकसी, माल्या, ललित मोदी, ये सब नाम हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं और आप अपने आप को, अपनी सरकार को ईमानदार कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक, मत बोलिए ऐसी बात, बोलेंगे तो इधर जवाब होगा, फिर आपको एक बहाना मिलेगा, देखिए मुझको गाली दे रहे हैं। तो आप देख चुके हैं ना, आपका मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला कर्नाटक में। भाषा पे नियंत्रण रखें, ये लोकतंत्र है। सर, एक सवाल बंगाल पर है, वहाँ पर हिंसा हुई है चुनाव में, 15 से ज़्यादा लोगों की जाने गई हैं, जो एलिगेशन है वो विपक्षी दलों पर ही है। बिल्कुल ठीक है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था, पारदर्शी होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेज लगाने को कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को अप्रूव किया, उसके बाद भी 15-16 लोग मर गए, जिसमें हमारे कांग्रेस के 3 लोग हैं। तो निसंदेह दोषी है प्रदेश का शासन, प्रशासन और केंद्र सरकार, क्योंकि उनकी केंद्रीय बल लगे हुए थे, उसके बाद ये सब हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा आचरण को दोषी मानता हूँ राज्यपाल जी का। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि चुनाव के दिन राज्यपाल निकल गए और उसके बाद भी अगर हुई तो आपकी भी जिम्मेदारी, आपने संभाल पाए, क्यों निकले, शासन प्रशासन का ध्यान आपने उधर क्यों खींचा, वो आपकी अगवानी में लगे रह गए। तो मैं मानता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। बंगाल सरकार के भी मानते हैं? हाँ, कहा मैंने प्रदेश शासन और केंद्र सरकार दोनों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।